ओके जी, वेलकम बैक। चलते हैं अपने कोड की तरफ। जी, तो उसमें मैंने चेंजेस ये की थी कि मैंने इसको रोल नंबर भिजवाया था, और जब नाम भिजवाया था तो नाम एज ए स्ट्रिंग लिटरल जा रहा था। इसको मैंने टू स्ट्रिंग का इसके साथ यानी कि फंक्शन यूज़ किया, एसोसिएटेड फंक्शन। तो इसने अब इसको टू स्ट्रिंग करके आगे वेरिएबल को भिजवाया। तो हमने क्या किया कि हमने एक क्रिएट स्टूडेंट का जो फंक्शन था उसे कॉल किया विद द वैल्यूज 9999। ये चला जाएगा रोल नंबर में। जमील चला गया स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके नेम के अंदर। 60 चला गया क्विज वन के अंदर, और 70 चला गया क्विज टू के अंदर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने क्या किया, क्रिएट स्टूडेंट वाले फंक्शंस को भिजवा दें। देखें, जब क्रिएट स्टूडेंट वाला जो फंक्शन था उसने ये चारों वैल्यू क्रिएट की, रिसीव की। रोल नंबर के अंदर उसने 9999, नेम के अंदर जमील, क्विज वन के अंदर लाइक 50 एंड देन 60, या 60 और 70 जो वैल्यूज थी ये रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसने क्या किया, माई एस टी के नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि बेस कर रहा था स्टूडेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर क्या किया कि जो उस स्ट्रक्चर की रोल नंबर नाम की फील्ड थी उसके अंदर रोल नंबर का जो पैरामीटर यहाँ से मूव हुआ था ये इसकी वैल्यू दे दी। इसी तरह उस स्ट्रक्चर की जो नेम की फील्ड थी उसके अंदर नेम नाम के वेरिएबल की वैल्यू दे दी। इसी तरह क्विज वन के अंदर जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर की फील्ड थी उसके अंदर जो वैल्यू पास की वो इसको जो पैरामीटर में क्विज वन के अंदर मिली थी वो दे दी। इसी तरह क्विज टू जो स्ट्रक्चर की फील्ड थी उसके अंदर उसने क्विज टू पैरामीटर जो था यहाँ से जो इसको मिला था इसकी जो जो भी वैल्यू इसको पीछे से पास ऑन हुई थी कॉलिंग साइड से वो इसने इस फील्ड के अंदर एज ए वैल्यू सेटल कर दी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन गया, इनके स्ट्रक्चर का इंस्टांस बन गया, इस इंस्टांस का नाम रखा था माई एस टी। और उसके बाद उसने क्या किया, रिटर्न कर दिया माई एस टी को। जब रिटर्न होगा ना, रिटर्न होकर ये आएगा इस लाइन में, इस जगह पर, यानी कि इस पूरे क्रिएट स्टूडेंट वाली स्टेटमेंट की जगह पे अब जो वैल्यू रिप्लेस होकर आएगी वो माई एस टी नाम का इंस्टांस होगा स्टूडेंट स्ट्रक्चर का, और वो जाके सेव हो जाएगा एस टी टू के अंदर। ठीक है, और अब एस टी टू के अंदर वो सारी वैल्यूज जो 999, जमील, 60, 70 जो हमें भिजवाई थी अलग अलग से, वो एज ए स्ट्रक्चर स्टूडेंट की शक्ल में आकर एस टी टू के अंदर सेव हो जाएंगी। और अगर हम यहाँ पे हम एस टी टू को डिस्प्ले करवाएं, इस प्रोग्राम को रन करवाएं, तो अभी स्टूडेंट वन जो कि हमने इसी मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था, और स्टूडेंट टू जो कि हमने क्रिएट स्टूडेंट वाले वेरिएबल से बनवाया था, इन दोनों की वैल्यूज को वन बाय वन डिस्प्ले कर देगा। हम सेव करते हैं, चलते हैं अपनी कमांड विंडो की तरफ। तो देखिए, इसने पहले डिस्प्ले करवा दिया उस स्टूडेंट के बारे में डाटा जो हमने मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था, और देन उसने हमें जो हमने क्रिएट स्टूडेंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए जो इंस्टांस बनाया था उस को शो करवा दिया। ठीक हो गया, तो यहां तक तो वही सिंपल सा काम हो रहा था जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे। इसके अंदर जो कैच है, ये थोड़ी सी तवज्जो देने वाली चीज है, वो ये कंसेप्ट है फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड। फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हुए कोई फील्ड यूज कर रहे हैं जिसका नाम सेम है
उसके अंदर जो वेरिएबल पास किया जा रहा है, जो इस वेरिएबल की वैल्यू पास की जा रही है उसके साथ, तो आप फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे सामने यहाँ पे दी हुई है, पहले हम बिल्ड यूजर वाले देख लेते हैं और फिर इसी को हम अपने वाले केस में अप्लाई कर देंगे। इन्होंने चूंकि एग्जाम्पल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाया था वो यूजर का स्ट्रक्चर था, तो इन्होंने उसी यूजर के स्ट्रक्चर के ऊपर एक बिल्ड यूजर का फंक्शन बना लिया, जो कि ईमेल, यूजर नेम, ये दो चीजें रिसीव करता है और रिटर्न करता है यूजर टाइप का स्ट्रक्चर का एक इंस्टांस। उसमें क्या हो रहा था कि उसी तरह से ईमेल के अंदर ये ईमेल की वैल्यू चली जाएगी, ईमेल वेरिएबल की, यूजर नेम फील्ड के अंदर यूजर नेम वेरिएबल पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू चली जाएगी। एक्टिव को उन्होंने हार्ड कोड कर दिया वैल्यू को ट्रू और साइन इन काउंट को 1, ये दोनों हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं इस फंक्शन के अंदर, जबकि यूजर नेम और ईमेल के अंदर वो वैल्यूज पास होंगी जो कि एज अ पैरामीटर फंक्शन को दी जा रही थी। ठीक है, अब ये तो था सादे वाला तरीका। अब इसको थोड़ा सा फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड हम यूज करते हैं, तो फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड का मतलब ये होता है कि अगर आप इंस्टांस बनाते हुए फील्ड का नाम और उसके अंदर पास करने वाली वेरिएबल का नाम दोनों सेम है तो फिर आप एक ही लिख दें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे देखें ये तरीका होता था, ईमेल फील्ड का नाम कॉलन और आगे उसकी वैल्यू दे दे, तो वैल्यू में इन्होंने वेरिएबल दे दिया ना। अगर ये वेरिएबल का नाम और इस फील्ड का नाम सेम है तो अगर आप ये एक भी लिख दें तो ये काफी हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि ईमेल की फील्ड के अंदर ईमेल के वेरिएबल की वैल्यू डाल दो, इसी तरह यूजर नेम के फील्ड के अंदर यूजर नेम के वेरिएबल की वैल्यू डाल दो, और बाकी दो चूंकि इन्होंने हार्ड कोड किए हुए थे तो इनको उन्होंने एज इट इज ले लिया। ठीक है, इस कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट को अभी जो हमने फंक्शन बनाया था अपने वाले कोड में उसमें जाके अप्लाई करके देखते हैं कि फील्ड इनिट कोड को, फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल नेम था वो भी रोल नंबर था और जो फील्ड नेम था वो भी रोल नंबर था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड यूज करना चाहें तो हम यहाँ पे चूंकि दोनों नाम सेम है तो हम यहाँ पे फील्ड नेम कॉलन फिर आगे वो जो वैल्यू या वेरिएबल का नेम है इसकी जगह अगर हम यहाँ पे सिंपल एक ये दे दें, क्योंकि दोनों नाम सेम है ना, तो हम यहाँ पे बजाय नेम कॉलन नेम करने के, जिनमें से एक नेम जो है पहला वाला वो फील्ड का नाम था स्ट्रक्चर की और दूसरा वाला वेरिएबल का नाम था, ये करने के लिए अगर हम यहाँ पे सिंपल नेम भी लिख दें तो रस इसको इंटेलिजेंटली इंज्यूम कर लेगा कि यहाँ पे जो फील्ड का नाम है वो भी नेम था और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू पास करनी है वो भी किसी वेरिएबल है जिसका नाम वही नेम ही है, उसकी वैल्यू को इस फील्ड के अंदर डाल देना। देखिए हमने इन चारों के अंदर ये जो फील्ड इनिट वाला इनिशियलाइजेशन वाला वो शॉर्ट हैंड थी उसको यूज कर लिया, और अब हम इसको सेव करके चला के देखते हैं कि इसकी आउटपुट सेम रहेगी या कोई एरर वेरर आएगा। तो चलते हैं अपने कमांड विंडो की तरफ। देखिए इसने एज इट इज उसको कंपाइल कर दिया और अब हमारा कोड जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से रन हो गया। अब ये देखिए ये जो ये वाला कंसेप्ट था फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड का, इसने हमारे लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। ठीक है, कि पहले हम इस तरह से फील्ड का नाम भी देते थे और आगे वेरिएबल का नाम भी देते थे, अगर वो दोनों सेम हैं तो देखिए हमारा कितना ज्यादा काम बच गया, और उन्होंने सिंपल वेरिएबल और फील्ड दोनों के लिए एक ही नाम पास ऑन कर दिया और उसकी मदद से वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक बन भी गया, रिटर्न भी हो गया मेन फंक्शन को और मेन फंक्शन ने उसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा के भी लिख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड का। ठीक है, हम बड़ी तेजी से अपने आज के सेशन के अख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बता दें। ओके फाइन, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं आगे। अगला कंसेप्ट था, अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली थी, हमने सबसे पहले देखा कि हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि ओके फाइन स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद उसका एक इंस्टांस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने देखा कि अच्छा उस इंस्टांस के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करना हो, उसकी वैल्यू चेंज करनी हो या उनको प्रिंट कराना हो तो डॉट नोटेशन की मदद से हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है,
फिर हमने देखा कि हम किसी वेरिएबल के थ्रू कोई स्ट्रक्चर कैसे इंस्टांस बनवा के, यानी कि हम वेरिएबल को अलग अलग वैल्यूज पास करें और उन सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके वो फंक्शन एक स्ट्रक्चर की टाइप के तौर पर उसको रिटर्न हमें कैसे करता है, ये वाली चीज हमने देख ली। और ये बनाने के बाद आखिर में हमने वो शॉर्ट हैंड नोटेशन को देख लिया कि हम फील्ड इनिट शॉर्ट हैंड जो नोटेशन है उसको कैसे अपने फंक्शंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चार चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। पांचवा कंसेप्ट ये है कि अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाते हुए उसके अंदर कुछ वैल्यूज किसी दूसरे स्ट्रक्चर की यूज करनी हो, इनके कुछ वैल्यूज तो हम नहीं दे दें और कुछ वैल्यूज किसी दूसरे स्ट्रक्चर से उठा के कॉपी कर लें, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, तो अब हम ये वाला काम जरा अपने कोड में जाकर देख लेते हैं कैसे होगा। तो जनाब चलते हैं अपनी कोड विंडो की तरफ। तो जनाब हमने ये स्टूडेंट टू बनाया था। सपोज करते हैं कि ये जो स्टूडेंट टू साहब हैं हम कहते हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमने इनका जो रोल नंबर था वो 9999 दे दिया। एक्चुअली ये 1001 था, तो हमसे गलती हो गई, हमने ये 9999 दे दिया। बाकी चीजें सेम है, इनको उनका नाम भी जमील है, उनका नंबर भी जो है वो 60-70 ही है, इनके स्टूडेंट सेम है। सिर्फ गलती से हमने उनका जो इंस्टांस बनाते हुए उनका रोल नंबर दिया तो वो हमसे गलती से टाइप हो गया। अब एक तरीका तो ये एकदम सिंपल सा काम करें कि हम ST2 को डिफाइन कर दें म्यूटेबल, और देन फिर हम करें ST2.RollNumber=1001 ऐसे। यहाँ पे हमें करना पड़ता है इसको MUT और देन हम करते ST2.RollNumber=2। ठीक है, एक तरीका तो ये था सिंपल सा। लेकिन अब चूंकि हमने एक कंसेप्ट स्टडी करना है और वो कंसेप्ट है एक नया इंस्टांस बनाना किसी स्ट्रक्चर का यूजिंग वैल्यू फ्रॉम द अदर इंस्टांस, अब हम क्या करेंगे कि हम एक ST3 बनाएंगे। लेट ST3=2 स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, रोल नंबर कॉलम 1001। ठीक है, हम कहते हैं नेम कॉलम, यहां पे हम देते हैं ST2.name। फिर इसी तरह quiz1 कॉलन ST2.quiz1, यानी कि ST2 की जो quiz1 की वैल्यू है वो डाल दे quiz1 में डाल दो। इसी तरह से quiz2 कॉलन ST2.quiz2। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक इंस्टांस बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यूज उठा के रोल नंबर तो नया दे दिया, बाकी वैल्यूज ST2 के अंदर से उठा ली डॉट नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिंट करवा लेते हैं ST3 को। चलते हैं अपनी कोड विंडो की तरफ।
फाइन, हमें ST2 का नेम ओके फाइन। तो जनाब देखें, हमने ये पहले जो ST2 बनाया था जिसके अंदर हमने रोल नंबर गलती से 999 दे दिया था, ठीक। फिर हमने क्या किया कि हमने एक नया स्टूडेंट का इंस्टांस बनाया ST3 के नाम से, उसके अंदर हमने रोल नंबर तो नया दिया, बाकी सारी जो वैल्यूज थी नाम की और उसके मार्क्स की वो हमने ST2 से उठा ली। कैसे उठाई थी ये देखें, हमने बनाते हुए बाकी की सारी वैल्यूज हमने ST2 से उठा ली थी, ST2.name, ST2.quiz1, ST2.quiz2। तो इस तरह से हम एक इंस्टांस बनाते हुए किसी दूसरे इंस्टांस की वैल्यू को यूजिंग डॉट नोटेशन यूज कर सकते थे, ठीक। एक तरीका तो ये वाला था। फिर हमारे पास एक और आसान तरीका है जो तो इसमें भी इससे भी ज्यादा आसानी पैदा कर देता है, और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि अगर आपने अगर तो मल्टीपल वैल्यूज उठानी है तो आप बिल्कुल इस तरह से उठा सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने उठाई कि ST2.name, ST2 दिस एंड दैट। अगर हमने अगली सारी वैल्यूज पॉइंट पे गौर करें, अगर हमने अगली सारी वैल्यूज किसी दूसरे इंस्टांस से उठानी हो, उसके लिए एक तरीका तो ये वाला था जो भी हमने देखा कि ST2.name, ST2.quiz1, ST2.quiz2। उसका एक आसान हल या एक आसान रास्ता या इजी वे हमें रस पॉइंट करती है कि अगर आपने अगली सारी वैल्यूज जो है किसी एक स्ट्रक्चर की वो किसी दूसरे स्ट्रक्चर की वैल्यू से उठानी है, तो आप डॉट डॉट और आगे उस इंस्टांस का नाम लिख दें, तो ये ऑटोमेटिकली वहां जाके सारी की सारी वैल्यूज उस स्ट्रक्चर के इंस्टांस से उठा लेगा। कैसे? इसी तरह हमने इस वाले कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये वाली चीज बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी रोजे रोशन की तरह। कि देखिए, यहाँ पे हमने सारी जो वैल्यूज हैं अगली वो ST2.name, ST2.quiz1, ST2.quiz2 से उठा रहे थे, तो इस नेम को छोड़ते हुए क्योंकि ये क्लोन करवाया था हमें हमने, वरना ये एज ए स्ट्रिंग था, हीप पे स्टोर हो रहा होता है तो ये एज ए मतलब इसकी वैल्यू पास हो जानी थी विद ऑनरशिप। अब यहाँ पे नेम के बाद हम quiz1 और quiz2 की वैल्यू भी ST2 से उठाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल अगर हम डॉट डॉट ST2 लिख दें, ठीक है, तो इसका सेम मतलब यही होगा जो कि पहले हमने ये दो लाइंस लिख के, या अगर इसके बिलफर्ज आगे 10 वेरिएबल्स होते जो कि सारे के सारे ST2 से वैल्यू उठा रहे होते, तो इन 10 लाइंस या 2 लाइंस की जगह अगर हम सिंपल डॉट डॉट ST2 यानी कि डॉट डॉट और आगे उस इंस्टांस का नाम लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी जितनी भी वैल्यूज है ना इन 2 फील्ड्स के बाद, वो सारी की सारी ST2 की रिलेटेड वैल्यूज से उनकी वैल्यू उठा के कॉपी कर लो, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और उसके बाद इसको चला के देखते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं दे रहा। ओके फाइन, कोई एरर आ गया है और ओके फाइन, वो कह रहे जी आपने कोमा नहीं लगाना, ये कोमा प्लीज रिमूव कर दें। तो ठीक है जी, मैं वहां जाके इस कोमे को रिमूव कर रहा हूँ और फिर हम क्लियर करके कार को रन करते हैं तो बिल्कुल देखेंगे ये प्रोग्राम हमारा चल पड़ा उसी तरह से और इसमें कोई इशू इशू नहीं आया। और जो हमारा कोड था ये देखें, इसमें हमने क्या किया था कि 2 लाइंस लिखनी थी, उसके जब हम डॉट डॉट और ST2 कर देते हैं तो बाकी जितनी भी रिमेनिंग फील्ड्स हैं उन सब की वैल्यू वो इस इंस्टांस से उठा लेगा, ठीक है। तो जिस तरह डॉट नोटेशन थी, अगर हम चाहें तो डॉट नोटेशन यूज करते हुए भी ये वाला काम कर सकते हैं, ये छोटे स्ट्रक्चर के लिए तो हमारे लिए फायदेमंद है।
लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर का साइज बड़ा है, लाइक उसमें 50 फील्ड्स हैं, तो 50 फील्ड्स के लिए आपको यहाँ पे 50 बार जब वो st2.this, st2.that, st2.that देना पड़ेगा, तो एक टेडियस काम हो जाएगा। उसके लिए रस्ट हमें शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करता है कि जिसको यूज करते हुए जब हम हमें बाकी सारी फील्ड्स की वैल्यू किसी और इंस्टांस ऑफ द सेम स्ट्रक्चर से उठानी होती है, तो हम यहाँ डॉट डॉट करके उस इंस्टांस का नाम दे देते हैं। तो फिर जब ये ST3 डिक्लेयर होगा, तो जो वैल्यूज आपने बाई हैंड दे दी वो वाली उन फील्ड्स में जाके वो वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी नई वाली, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज ये जो आपने यहाँ पे डॉट डॉट करके आगे इंस्टांस का नाम दिया होगा उसके रेलेवेंट वेरिएबल्स या रेलेवेंट फील्ड से उठा लेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अभी हम आज 11 बजे अपने सेशन को इख्तिताम पजीर कर देंगे, और कुछ आखिरी स्लाइड्स हैं हमारी। ठीक है, हम इनको जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तो देखें, ये वाला काम हो गया हमारा, और इसमें ख्याल रखना है कि आपने आखिर में ये कॉमा नहीं लगाना, अगर आप कॉमा लगाएंगे तो एरर देगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। जिस तरह से हमने नेम की फील्ड्स वाले स्ट्रक्चर्स बनाए थे, इसी तरह से आप बगैर नेम वाले स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो बगैर नेम वाले स्ट्रक्चर समझ ले कि एक तरह के ट्रिपल की टाइप की चीज बन जाएंगे। तो देखिए, बगैर नेम वाले स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या होता है कि आप उसी तरह से स्ट्रक्चर का कीवर्ड लिखें, स्ट्रक्चर का नाम दें, और उसके बाद बजाय इसके कि वो करली ब्रैकेट डाल के उसके अंदर फील्ड नेम कॉलन टाइप, फील्ड नेम कॉलन टाइप में आप ये स्मॉल ब्रैकेट डाल के आगे टाइप डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की टाइप बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनको डिक्लेयर करने का तरीका भी इस तरह से होता है, जिस तरह यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है कलर, और उसके अंदर I32, I32, I32 तीन I32 टाइप के वेरिएबल्स आ रहे हैं, फील्ड्स आ रही हैं। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर बनाया है पॉइंट, उसकी भी I32, I32, I32 पे मुश्तमिल तीन फील्ड्स हैं। अब अगर आपने इसके अंदर वैल्यूज पास करनी होंगे, देखिए उस वाले में क्या करते थे, उसके अंदर हम वैल्यूज पास करते थे, तो हम कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल ST1.name इज इक्वल टू दिस, ST1.roll number इज इक्वल टू दिस। अब इस वाले स्ट्रक्चर में तो नेम्स है ही नहीं, इनके अंदर जब वैल्यू डिफाइन करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, उसका तरीका ये लिखा हुआ है कि लेट ब्लैक, यानी कि ब्लैक से मुराद ये वेरिएबल का नाम है ब्लैक, इज इक्वल टू कलर, कि ये जो ब्लैक है ये कलर टाइप, कलर स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, ये देखिए कलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर हमने पहले वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू जीरो दे दी है, दूसरे में भी जीरो दे दी है, तीसरे में भी जीरो दे दी। ठीक है, तो क्या होगा कि एक ब्लैक नाम का वेरिएबल बन जाएगा रैम में, इसकी टाइप होगी स्ट्रक्चर कलर की। ठीक है, और उसके अंदर पहले वाले फील्ड के अंदर जीरो, दूसरी वाली फील्ड के अंदर भी जीरो, और तीसरी वाली फील्ड के अंदर भी जीरो की वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो ये खास तरह के मतलब आप टुपल टाइप के स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन फिर इसमें और एक टुपल में कोई ऐसा फर्क रह नहीं जाता, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। हाँ, इसमें एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस तरह आपने एक स्ट्रक्चर बनाया कलर टाइप का, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया पॉइंट टाइप का, भले इन दोनों की जो डेफिनेशन है या इनका सिग्नेचर है बिल्कुल सेम है, देखें ये भी I32, I32, I32 है, और इसी तरह से दूसरा भी I32, लेकिन इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर आप इनको कहीं इंटरमिंगल करना चाहें तो ये एरर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ कलर टाइप का, उसको रिटर्न करवाने की कोशिश करता हूँ पॉइंट टाइप के वेरिएबल में, तो बेशक इनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, I32, I32, I32 है, दूसरा भी I32, I32, I32 है, लेकिन चूंकि इनके स्ट्रक्चर की टाइप डिफरेंट है इसलिए आपको एरर दे देगा। ठीक है, बात समझे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कलर टाइप के
स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट टाइप के स्ट्रक्चर के किसी इंस्टांस की वैल्यू अगर मूव कराने की कोशिश करेंगे तो भले इनकी शक्लो शुबाहत टाइप्स वगैरह सब चीज़ें सेम हैं, बट स्टिल चूंकि ये अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहे हैं इसलिए ये आपको एरर दे देगा। तो आपने इनको एज ए इंडिविजुअल, इनके जो रस्ट होता है वो इनकी रस्ट की आइडेंटिटी भले वो स्ट्रक्चर वाइज कितने ही सेम क्यों ना हो, अगर वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अगेंस्ट वेरिएबल्स बने हुए हैं तो उनकी वैल्यूज आपस में इंटरमिंगल नहीं हो सकेंगी। इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं कि ये जो हम इंस्टांसेस फ्रॉम अदर इंस्टांसेस यूज करते थे, ठीक है, वो वाला काम यहाँ कलर के अंदर हम किसी दूसरे कलर टाइप के वेरिएबल्स की मदद से तो वैल्यूज पास करवा सकते हैं, लेकिन किसी कलर के अंदर पॉइंट टाइप के स्ट्रक्चर के बने हुए इंस्टांस की वैल्यूज को मूव नहीं करा पाएंगे, ये आपने जरूर ख्याल रखना। फिर उसके बाद ओनरशिप की बात आ रही है। ऐसा है कि ओनरशिप उसी तरह से स्ट्रक्ट के ऊपर भी काम करती है जैसा कि स्ट्रिंग टाइप के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है। और इसमें हमने एक ख्याल रखना होता है कि यहाँ पे, यहाँ इनके इस टाइप की चीज़ों में ओनरशिप के हवाले से, ओनरशिप में मूव करवानी हो या कोई स्ट्रिंग की हरकत करनी हो, तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप ओनरशिप इनके, जिसमें अगर मैं किसी स्ट्रिंग टाइप को आगे पास ऑन करवाता हूँ इसी तरह से, तो क्या होता है कि उसकी ओनरशिप आगे चली जाती थी। इसी तरह से जब मैं किसी स्ट्रक्चर को पास करवाऊंगा तो उसकी भी ओनरशिप आगे ट्रांसफर हो जाएगी, और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी हीप पे स्टोर होते हैं, तो इसी तरह से बिहेव कर रहे होंगे जिस तरह से स्ट्रिंग बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। और एक तरीका हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में शायद, कि हम ऑनरशिप वाले में कि हम रेफरेंस थोड़ी करेक्शन ब्रेक आ गया था। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे हमने ये देखा था कि हम जहाँ पे हमने वैल्यूज को खाली रीड करना होता था वहाँ पे हम रेफरेंस पास कर देते थे एंड साइन के साथ, ठीक। तो जब आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अगर इसको एंड के थ्रू रेफरेंसेस पास करने की कोशिश करें तो वहाँ पे आपको ये एरर दे देता है, और ये आपसे रिकमेंड करते हैं आपको कि आप यहाँ पे लाइफ टाइम स्पेसिफाई करें। लाइफ टाइम स्पेसिफाई करना छठे और आठवें चैप्टर में हमें सिखाया जाएगा, तो इस वक्त आपने इस चीज़ को थोड़ा सा स्किप कर देना है। आपने जहन में रखना है कि आप जिस तरह से स्ट्रिंग को एज ए रेफरेंस पास करवा लेते थे उसी तरह से आप ऑल्दो स्ट्रक्चर को भी एज ए रेफरेंस पास तो करवा सकते हैं, लेकिन वो पास करवाने के लिए आपको लाइफ टाइम स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जो कि कंसेप्ट अभी हमने इस पर डिस्कस नहीं किया। तो फिलहाल आप ऑनरशिप के ये जहन में रखें कि जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे स्ट्रक्चर में भी एज इट इज अप्लाई हो रहे होंगे, जिस तरह के वहाँ पे स्ट्रिंग में अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको रेफरेंस के तौर पर पास करवाने में अभी ज़रा एहतियात करनी है, इसमें जो कंसेप्ट है वो आगे चल के जब आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम हमारे सामने दिया हुआ है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि हमने दो वेरिएबल बनाए विड्थ के और हाइट के, और एक फंक्शन बना लिया जिसको हम इस विड्थ और हाइट की वैल्यूज पास करवाते हैं, और ये हमें विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके एरिया रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो छोटा सा प्रोग्राम है, इसको हम फटाफट कोड कर लेते हैं।
चलते हैं अपनी कोड विंडो की तरफ। लेट ठीक है, हमने छोटा सा एक प्रोग्राम बना लिया जिसके अंदर हमने क्या किया, एक विड्थ का वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर हमने 10 वैल्यूज डाली और फिर हाइट का वेरिएबल डिफाइन किया जिसके अंदर 20 वैल्यू डाली। हमने एक एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन किया जो कि दो वैल्यूज u16 टाइप की रिसीव करते हैं एज ए पैरामीटर, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके u32 टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं। इसको भी वो सक्सेस ही कर देते हैं सब। ठीक है, और ये वैल्यू जाती हैं और ये जाके माय रिजल्ट में सेव हो जाती हैं, और उसके बाद माय रिजल्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया जाता है। इसको हम सेव करते हैं और चला के देखते हैं। चलिए मैं आपके साथ अपनी कोड विंडो शेयर कर दूं, तो कमांड विंडो ये देखें, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, उसने बता दिया द एरिया इज 200। ठीक है, हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया, इस तरह के फंक्शन हम बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 और 3 से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एरिया कैलकुलेट तो कर रहे हैं बट इसके अंदर एक सेपरेशन है कि विड्थ अलग जा रही है, हाइट अलग जा रही है, इनके दो वैल्यूज पास हो रही हैं। अब अगर हम अपने कोड में जाएं तो हम इसको दोबारा भी कॉल करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेट न्यू एरिया इज इक्वल टू, बल्कि हम ऐसे करते हैं कि हम इसको कहते हैं बेड एरिया, ठीक है, लॉन एरिया, और अब की बार हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू भिजवा देते हैं। हम कहते हैं लॉन हमारा है फॉर एग्जांपल 20 by 30। ठीक है जी, इसको हमने सेव करवा लिया, इसको हम कार को रन करवाते हैं तो ये बिल्कुल क्लियरली हमें रिजल्ट दे देगा। बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए करता ये हूँ कि मैं यहीं रहते हुए इसको कार को रन करवाता हूँ, तो ये देखिए इसे मैं बेड एरिया और लॉन एरिया दोनों शो करवा दिए। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे हमने विड्थ पहले डिफाइन की है, हाइट बाद में डिफाइन की है। अब अगर मैं कोई गलती हो जाती है हमसे कि हम गलती से बिल्फर्स पहले विड्थ पास कर देते हैं बाद में हाइट पास कर देते हैं, तो हमसे कोई गलती हो सकती है इस वाले स्ट्रक्चर में। ये वो प्रोग्रामिंग का स्टाइल है जो कि हम स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले पहले पढ़ते चले आ रहे थे। लेकिन अब चूंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें ज़्यादा बेहतरी लेके आते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक स्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं माई साइज का, उसका नाम है। उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक फील्ड डिफाइन करते हैं विड्थ की, इसकी टाइप है u60 और दूसरी हाइट की, इसकी टाइप है u16। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट बेड एरिया हम कहते हैं लेट बेड बेडरूम उसका साइज दे देते हैं 20। तो देखिए हमने इस स्ट्रक्चर के दो इंस्टांस बना लिए। ठीक है, एक बेड का जिसके हमने बेडरूम का साइज दे दिया और एक लॉन का जिसके हमने लॉन का साइज दे दिया। अगर हमने बेड एरिया कैलकुलेट कराना हो तो अब हम बजाय विड्थ और हाइट पास करवाने के हम इसको बेड पास करवा देंगे एक ही वेरिएबल। और इसी तरह लॉन एरिया कैलकुलेट करवाने के लिए हम लॉन नाम का वेरिएबल जो है वो इसको पास करवा देंगे। और अब ये बजाय दो वेरिएबल लेने के एक ही स्टैंडर्ड वेरिएबल लेगा जिसका नाम होगा माय पैरामीटर, इसकी टाइप होगी माय साइज टाइप की, और यहाँ पे ये माय ये देखिए जनाब, हमने उसी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। हमने अब इसको स्ट्रक्चर बेस पे ले गए और अब क्या हो रहा है कि वो जब अलग अलग विड्थ और हाइट पास कर रहे होते थे उसकी जगह हमने क्या किया कि दो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करने वाले इंस्टेंसेस बना लिए, एक बेडरूम का और एक लॉन का। उसके अंदर हमने साइज मेंशन कर दिए। जब हम इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो हम यहाँ पे एरिया को बेड का इंस्टांस फॉरवर्ड करेंगे तो ये हमें बेड का साइज कैलकुलेट करके दे देगा, एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। और इसी तरह जब लॉन का इसको हम वेरिएबल पास करेंगे तो ये